कृष्णा, आज मंगलवार 23 मार्च, सबका स्वागत और धन्यवाद। इससे पहले कि मैं श्रील प्रभुपाद का शिक्षामृत पढूं, ये प्रभुपाद जी ने एक हमारी गुरु बहन हेमावती को पत्र लिखा था 23 मार्च 1969 को, उसमें से है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबको कि अभी गायों का जो गऊओं का दूध कम हो रहा है, तो अपना भारतीय माता को आप परेशान ना करें। अगर दूध होगा तो देगी, और नहीं है तो कहाँ से देगी। जैसे गायें अभी कम कर रही हैं, दूध कम हो रहा है, तो ध्यान रखिए। कुछ भक्त लेंगे, बोलो थोड़ा लो, तो वो उतना ही लेंगे जितना लेते हैं। कम है तो कम लेना है, ज़्यादा है तो ज़्यादा लेना है। तो आप सभी ध्यान रखिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कछुआ जब चाहे अपनी इंद्रियों को सिकोड़ सकता है, और जब चाहे उन्हें बाहर निकाल सकता है। शुद्ध भक्तों की भी यही स्थिति होती है। वह जब चाहे अपनी इंद्रियों का निग्रह कर सकते हैं, और जब चाहे उनका उपयोग कर सकते हैं। इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं। सामान्य लोगों के समान वह अपनी इंद्रियों के बस में नहीं होते। गोस्वामी का यही अर्थ है। तो आज के प्रसंग में प्रभुपाद जी कछुए का उदाहरण दे रहे हैं। कछुआ जो है अपने हाथों पाँव को अंदर कर लेता है, ऐसा बना हुआ है, वैसा भगवान ने उसको बनाया है। तो कछुए की तुलना प्रभुपाद कर रहे हैं एक भक्त के साथ। भक्त जो होते हैं भगवान के, उनका अपनी इंद्रियों पर दमन होता है, और इंद्रियों पर दमन करना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा है। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। और हम जो हैं अपनी इंद्रियों के दास हैं, हम स्वामी नहीं हैं। तो ऋषिकेश भगवान को मिलने के लिए हमें भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करते तो इंद्रियों के स्वामी भगवान को नहीं मिल सकते। श्री कृष्ण को मिलने के लिए इंद्रियों का दमन बड़ा आवश्यक है। जब तक हम इंद्रियों के दास बने रहते हैं, तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, क्योंकि हमारा मन इंद्रियों के तर्पण में लगा हुआ है। तो ये समस्या हम सब की है, पुरुष की भी है, स्त्री की भी है, अमीर की भी है, गरीब की भी है, गोरे की भी है, काले सब की है। तो लेकिन हम सभी प्रयास करें, और एक प्रभुपाद कृपा से मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक तो गुरु होते हैं, एक आदि गुरु हैं। आदि गुरु जो हैं वह नित्यानंद भगवान हैं, वो भगवान के देने वाले हैं। तो हमारे एक आचार्य श्रील नरोत्तम ठाकुर हमें एक भजन के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। तो
क्या उनके हृदय की इच्छा है। वो कह रहे हैं गौरंगा बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयने भवे नीर गौरंगा पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयने भवे नीर। ये बंगला भाषा है। गौर भगवान बंग देश में प्रकट हुए तो बोलिते नहीं बलिते, बंगाली भाषा में बलिते कहा है, वही शब्द बोलने चाहिए हमको जो बंगला में है। आर कबे निताय चंद्र करुणा खैवे आर आर कबे निताय चंद्र करुणा खैवे संसार वासना मोर कबे तुच्छ खैवे संसार वासना मोर कबे तुच्छ खैवे विषैया छाड़िया कबे शुद्ध खबे मन कबे घमा हे रम श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे हैवे अकुति रूप रघु कबे हमा भुजीवो से युगल प्रीति कबे हरि बोल बेसुरा बज रहा है युगल परीति रूप रघुनाथ पदे राहु मोर आस रूप रघु प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास गौरंगा वलिते गवे पुलक शरीर गौरंग हरि हरि वलिते नयने भवे नीर देखो एक वैष्णव बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे। कौन थे ये? राजा के बेटे राजकुमार। राजा के पास किस चीज की कमी होती है? लेकिन इनको किसी चीज से कोई सरोकार नहीं था। इनका सरोकार केवल चैतन्य चरण भक्ति बस और कुछ नहीं। बड़ा त्यागी जीवन इनका था और बड़े महान वैष्णव थे। तो ये इस भजन में इच्छा व्यक्त कर रही है। इच्छा क्या है मेरी? क्या कह रहे हैं? ध्यान से शब्द सुनिए। वह दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरांग नाम के उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो जाएगा? रोमांच, बाल खड़े होना, ये कब होता है? जब बड़ा भाव जागृत हो अंदर।
गौरांग महाप्रभु भाव के अवतार हैं, कृष्ण राधा भाव में आए हैं और वो सदा भाव विभोर रहते थे और उनको भाव में इतना आनंद आता था। वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, अब भाव में अपने ही भक्ति भाव में उनको इतना आनंद आता था कि उनकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं होते थे, हर समय रोते रहते थे भाव में। ये जो रोना है, भाव का रोना है, ये बड़ी भाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होता है। दुखी होकर तो हम सब रोने लग पड़ते हैं, कोई बात होगी रोना शुरू कर देंगे, लेकिन भाव में, भाव में रोना जो है ना, इससे सारा अंदर का कलमश जो है वो धुल जाता है और हृदय निर्मल भयोतार, हृदय जो है निर्मल हो जाता है। तो ये कहते हैं कि वह दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरांग नाम के उच्चारण मात्र से मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। कब हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 के उच्चारण से मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकलेंगे। मैंने एक बात आपको सुनाई थी, मैं मॉन्ट्रियल कनाडा में था तो वहाँ पर एक डायमंड का व्यापारी, उसकी दुकान थी, उसने दुकान का नाम रखा था दास डायमंड, लेकिन भक्त उसको डायमंड दास कहते थे। वो डायमंड दास एक बार हमको मिला, उसके साथ एक व्यक्ति था, तो प्रभुपद कृपा से मैंने उस नए व्यक्ति को कहा, डायमंड दास को भी, भाई महामंत्र बोलो भगवान का। जैसे मैंने महामंत्र उच्चारण करने के लिए उसको बोला, आप भी करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये मैंने जब उन दोनों को उच्चारण करने के लिए बोला, वो जो नया व्यक्ति उसके साथ था, मैंने क्या देखा, पहली बार एक ही व्यक्ति देखा और कोई नहीं देखा मैंने ऐसा, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, एकदम रोने लग पड़ा। तो भगवान का नाम उच्चारण से, जैसे यहां कहा ना, कब हरि हरि, और प्रभुपाद ने महामंत्र के लिए भी कहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि उच्चारण से मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकलेंगे। प्रेमाश्रु, ये प्रेमाश्रु जो हैं हमारे गौर भगवान सदा बहाते रहते थे, सदा भावुक हो जाते थे। अगर जैसे एक बार घटना घटी, गौर भगवान रथ यात्रा में थे, महाराजा प्रताप रुद्र जो थे उनको भगवान नहीं मिलते थे, राजाओं से भगवान नहीं मिलते, राजा लोग विषयी की विषयों विकारों के अनुयायी होते हैं, भोग विलास में बहुत सुख सुविधा उनके पास है, तो राजाओं को भगवान नहीं मिलते थे, तो मना कर दिया। राजा बड़े दुखी हो गए, राजा वैसे बड़े भक्त थे, भगवान शिक्षा दे रहे हैं महाराजा प्रताप रुद्र। तो रथ यात्रा में भगवान नृत्य करते थे और रोते रहते थे, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके गौर भगवान। एक जगह और रथ यात्रा रुकी तो भगवान वहाँ थोड़ा विश्राम करने लगे, तो भक्तों ने महाराजा प्रताप रुद्र को कहा, जाओ, उन्होंने भगवान की चरण सेवा करना शुरू कर दी। और क्या, कौन सा श्लोक सुनाया था तेरे को याद है भगवान को? भगवान को श्लोक सुनाया भागवत से उन्होंने, जब सुनाया
तो भगवान का और भाव बढ़ गया। और भगवान कहते हैं कि तुम कौन हो, तुमने मेरा भाव बढ़ा दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। त्रिलोकीनाथ भगवान सन्यासी वेश में है, भगवान कहते मेरे पास कुछ नहीं है, आओ तुम्हें आलिंगन दे, तुम्हें गले लगा लूं। हाँ तब जीवना भागवत का श्लोक है ना, गोपी खेत में से, गोपी खेत में से निकाल वगैरह है। तो महाराज प्रताप रुद्र को भगवान की कृपा मिली, पहले भगवान मिलते नहीं थे, पहले फिर उनके पुत्र को मिले, फिर भगवान ने ये कृपा की रथ यात्रा के समय। तो देखो भगवान ये भाव के अवतार हैं, और हम सबको भाव चाहिए। भावो विद्धि देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। हमारा भाव जैसे मैं कई बार कहता हूं है, लेकिन वो ढका हुआ है हमारे दुष्कर्मों के कारण, हमारी विषय वासनाओं के कारण, वो भाव ढका हुआ है। तो ये श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तप कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषपहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ये भूरिदाजनम। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करती हैं, गोपियां बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की, क्या महानता थी गोपियों में, उनको अपना कोई सुख नहीं चाहिए, उनको कृष्ण प्रसन्न चाहिए। उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, पतियों की, बड़ों की, किसी की, केवल भगवान की प्रसन्नता में धन्य है गोपियां। और परमपिता को ये कहना पड़ा गोपियों, कब कहा, जब वृंदावन से भगवान मथुरा जा रहे थे, अक्रूर जी उनको लेने आए थे, और गोपियों ने देखा उनके प्राण जा रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं भगवान श्री कृष्ण को, कहती आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, भगवान परतंत्र नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। कहते हैं आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, और आपने अभी जाने का मन बना लिया है, हम आपको रोक नहीं सकते, पर हे कृष्ण, पर आपके भिरा में हमारा जीना बड़ा कठिन हो जाएगा, आप कृपा करो ये रथ हमारे ऊपर चला के हमें दर्शन देकर, रथ चलाकर हम अपने देहों का त्याग कर दें। रथ के आगे गोपियां लेट गईं, ये क्या था, भाव था उनका, भाव से ही भगवान मिलते हैं। तब परमपिता ने कहा था गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं, क्या ऋणी है भगवान को, भाव और भक्ति का, याद रखो। तो ये गोपी गीत में से ही है जो महाराजा प्रताप रुद्र ने महाप्रभु को सुनाया था। तो महाप्रभु बड़े आगे वो भाव भी बोल रहते थे, और बड़े भाविक हो गए थे भगवान। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लालिमाओं लीलाओं लालिमाओं ने लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को
सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चित ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कर्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि ग्रन्ती ये भूरिदाजन। जो लोग प्रचारक हैं, निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं, हम सबको करना चाहिए, प्रसार करते हैं, वह सबसे बड़े दाता हैं, सबसे बड़े दानी वो हैं। बाकी दान जो है वो दान आज है और कल नहीं। किसी ने किसी को भोजन करा दिया वो फिर भूखा मरेगा, किसी को औषधि दे दी फिर बीमार हो सकता है। लेकिन भक्ति का दान जिसने दिया, जिसने भगवान के बारे में प्रचार किया, भगवान के बारे में जिसने बताया, वो सबसे बड़ा दानी है। इस श्लोक में गोपियाँ कह रही हैं। तो महाप्रभु ने जब ये श्लोक सुना महाराजा प्रताप रुद्र के मुखारविंद से, तो भगवान बड़े भावुक हो गए। वो सदा भाव में ही रहते थे। और भगवान कहते हैं राजा को, राजा भी धोती कुर्ते में है, धोती में पहनी है, बड़े सादे राजसी वस्त्रों में नहीं है। और भगवान के चरणों की सेवा की महाराजा प्रताप रुद्र ने, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए गौर हरि और कहते हैं कौन है तू, तूने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया, आ मेरे पास तो कुछ है नहीं, भगवान सन्यासी हैं, सन्यास लिया है परम पिता ने, आ तुम्हें आलिंगन देता हूँ, गले लगा लिया भगवान ने। तो भाव हम सब के अंदर है लेकिन वो बट गया है। सभी प्रयास करो, पुरुष स्त्री बूढ़े जवान बच्चे सारे, उस भाव को जागृत करने का। तो एक भजन में बताया भगवान ने, वो कहा है भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा, भाव भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पा, भाव से भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा, भाव का भूखा आप कहो हम भगवान को बहुत कुछ दे सकते हैं, मेरे पास पैसे हैं मेरे पास, अरे भगवान का सब कुछ है। लक्ष्मी तो सेवा करती रहती है सदा भगवान के चरणों की, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो मिलते हैं केवल भाव से, लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण वो भाव जो है ढक गया है। तो ध्यान रखो,
उस भाव को जागृत करना है। भाव से अगर भगवान का भजन करोगे ना तो जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य भव रूपी सागर से पार होना है। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण, अन्न धन कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा, बस पूरन ये सत्कार, बस पूरन भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सा। भाव बिन सब कुछ भी दे दे, भाव बिन सब तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे, भाव तो मुझे स्वीकार, तो मुझे भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सा। जब कृष्ण भगवान राम रूप में दंडक वन में गए, दंडकरणीय जो गुजरात में है, वहां जब परमपिता गए तो बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ तपस्या कर रहे थे और प्रायः ब्राह्मण घरों में से थे। उसी दंडक वन में शबरी माता भी पहुंच गई थी बेचारी। तो भगवान जब दंडक वन में पहुंचे, ऋषि मुनि को भी पता लग गया था कि भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान वन का भ्रमण कर रहे हैं। तो दंडक वन में जब पहुंचे तो भगवान ने किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं लिया। भगवान पूछ रहे हैं कि शबरी कहाँ है, यहाँ पर शबरी का पूछ रहे हैं। तो शबरी कौन थी? एक भीलों की कन्या थी, अनपढ़ गंवार भीलों की कन्या, लेकिन भाव से भरी हुई थी। शबरी के भाव की कोई तुलना नहीं है। शबरी को ढूंढते ढूंढते भगवान शबरी की कुटिया में पहुंचे। तो शबरी की कुटिया में जब पहुंचे तो शबरी शर्म के मारे छुप गई, जाकर भगवान के सामने नहीं आ रही। भगवान ने कहा, कहाँ शबरी? बुलाया, भगवान बुला रहे हैं तुमको। शबरी आई और भगवान को प्रणाम किया उसने, और त्रिलोकीनाथ भगवान ने क्या कहा? त्रिलोकीनाथ ठाकुर कहते हैं कि माते, मुझे भूख लगी है। देखो, वो एक अछूत स्त्री किसी ऋषि मुनि के पास नहीं भगवान खाने गए, शबरी से मांग रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। भोली भाली शबरी, भोली बिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण लिपटाई। तो शबरी माता को भगवान का में भूख लगी है। तो शबरी माता जंगल में दंडकरण्य वहाँ बेर होते थे, तो बेर चुन के ले आई थी और वैसे बड़े समय से प्रतीक्षा कर रही थी वो राम आएंगे मेरी कुटिया में। वो दिन आ गया। तो
कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे बच्चों सारे क्यों नहीं बोलते हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम बोलो शबरी माता की। तो शबरी माता जो एक भीलों की कन्या थी अछूत, तो भगवान कहते हैं मुझे खाने के लिए कुछ तो भोली वाली शबरी बेर ले आई। फिर मन में आया बेर तो कोई खट्टे भी होते हैं, कोई मीठे होते हैं, कोई खट्टे होते हैं, कैसे पता लगे। वो भोली वाली बेर को चखे, अगर तो मीठा हो तो राम जी के हाथ में दे दे, अगर खट्टा हो तो फेंक दे। त्रिलोकीनाथ भगवान शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, बड़े भाव से खा रहे हैं। क्यों? उसमें भाव था। वही भाव याद रखो मेरे सुनने वालों, इंटरनेट में सुनने वालों, जहां भी आप हो, उस भाव को जागृत करना है। वो सोया हुआ भाव जागृत करना है और उसी से भगवान मिलेंगे, और कोई रास्ता भगवान को पाने का नहीं है। भगवान कहते हैं अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा बस पूर्ण यह सत्कार। भगवान कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा खुद ही। असल में ये जीवन भगवान को अपनाने के लिए मिला हमको। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। तो आगे भगवान कहते हैं भाव बिन सब कुछ दे डाले, भाव बिन तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे सभी का तो मुझे भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सा। भगवान कहते हैं भाव के बिना मुझे कोई कुछ भी दे मैं उसको नहीं लेता, पर भाव से अगर फूल भी दे दे तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो शबरी माता भाव से भगवान को बेर दे रही है और भगवान स्वीकार कर रहे हैं जूठे बेर। गीता में भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामि प्रियतात्मना। मुझे प्रेम से कोई पत्र दे, तुलसी का पत्र, पुष्प फूल, तोयम पानी, भगवान कहते वो मैं स्वीकार करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति, भक्ति भाव से अगर कोई देगा तो यो मैं भक्तियां प्रयच्छति भक्ति भाव से मुझे देगा अश्नामी मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो वो यहां भी कहा गया है भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार।
तो भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, प्रेम और भक्ति, मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। याद रखो, ये नहीं है कि अमीर आदमी ही भगवान को पूज सकते हैं, वो ही बड़े बड़े भोग लगा सकते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है वो भगवान को पानी भी अर्पण करे भगवान वो भी स्वीकार कर लेंगे, तुलसी का पत्र भी स्वीकार कर लेंगे। भाव की सारी बात है। एक भक्त हुए गुजरात में, वो हर एकादशी के दिन तुलसी माता का गमला सर पर उठाकर बड़ी लंबी यात्रा करके द्वारका में जाते थे दर्शन करने के लिए। वो जगह कौन सी थी जहाँ से जाते थे? डाकोर जाते तो वृद्ध हो गए बेचारे, लेकिन नियम नहीं अपना तोड़ते थे। ठाकुर जी को चिंता हुई, द्वारकाधीश चिंतित हो गए, कहते देखो उसका नाम, उनका नाम बुढ़ाना, क्या नाम था उनका? बुढ़ाना कुछ और भी नाम था, बुढ़ाना कुछ ऐसा नाम था उनका। कहा तुम्हें वृद्ध हो गए हो, अभी तुम नहीं आया करो। कहते प्रभु मेरे से रहा नहीं जाता। अच्छा नहीं रहा जाता तो मैं ही तेरे साथ चलता हूँ। भगवान बोल दिया अगली काछी को आना और मैं तेरे साथ चलूँगा। सब बता दिया भगवान ने। अगली काछी आई तो बोला वहाँ तुम अपना, वो बैलों वाली गाड़ी में आते आते थे बेचारे बड़ी दूर से, भगवान का विग्रह बता दिया भगवान ने कैसे तुमने अंदर आना है। अंदर आ गए वो बुढ़ाना जी भक्त भगवान के, भगवान के शरीर पर सोने के गहने थे। भाई कोई ये ना सोचे कि गहनों के लिए मैंने को लिए, जैसे गहने गुने उतार के भगवान ने तब वहीं रख दिए, बुढ़ाना जी ने रख दिए और भगवान को उठा के अपने बैलगाड़ी में रख दिया। चल पड़े डाकोर में, चल के चल पड़े डाकोर जगह है वहाँ भी वहाँ द्वारकाधीश वहीं चले गए हैं द्वारका से। तो भाव की बात हो रही है। देखा उन्होंने, लोगों को शंका हुई, भाई पहले वो बुढ़ाना जो आता था वो तो पैदल आता था, अभी इस बार बैलगाड़ी लेके आया। जरूर सुबह जब मंदिर खोला तो भगवान है ही नहीं वहाँ पर, गहने गुने सब पड़े हैं वहाँ पर लेकिन भगवान नहीं है। तो वो भगवान को ले गया, पंडित सारे पुजारी चले भागते हुए, आखिर देखा बुढ़ाना ने देखा कि आ गए हैं, सब आ रहे हैं पुजारी। तो उन्होंने भगवान ने कहा तुम ऐसा करो मुझे बौली पानी का चश्मा उसमें रख दो। झट बुढ़ाना ने भगवान को उठाया वहाँ रख दिया और वो जो पंडित थे सामने मारा बुढ़ाना जी को, उनके शरीर से खून निकल गया। आखिर पता लग गया उनको कि बोली मैं तो भगवान के शरीर से भी खून निकल रहा है, भगवान ने अपने भक्त की मार अपने ऊपर ले ली। निकाला उनको बोली से तो भगवान कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ, तूने मेरे भक्त के साथ अन्याय किया है, क्षमा याचना करने लगे। बोला कि नहीं मैं अभी यहीं रहूंगा, ऐसा है कि तुम और मेरा दूसरा बिकरा वहाँ पधरा दो और मैं यहीं रहूंगा इसके पास। तो माने नहीं, पुजारी नहीं मान रहे। तो उन्होंने कहा अच्छा, बुढ़ाने को कहा कि ऐसा है
तो मेरे बराबर जितना सोना है वो ले लो तुम लोग और मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने मना कर दिया द्वारकाधीश ने। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो अभी बुढ़ाना जी कहते हैं, प्रभु मेरे पास कहाँ इतना सोना, मैं आपके बराबर तोड़ के दूंगा। कहते कितना? कहते मेरी औरत की कान की बाली है। कहते वो लिया, बाली एक तरफ रखी, कितना थोड़ा सा सोना, और भगवान को एक तरफ, और बाली वाला ऐसा भगवान ऊपर चले और बाली वाला नीचे हो गया। तो भाव, भगवान को भाव चाहिए और कुछ नहीं, वही उनको दिए ले जाओ और दूसरे मेरा बिगड़ा रख दो, मैं यहीं रहूँगा। तो द्वारकाधीश डाकोर में आए हैं, डाकोर में मंदिर है, रन छोड़ रहा है उनका नाम है। तो भगवान भक्त के भाव के भूखे हैं, ये सब याद रखो। वो भाव हम सबको भक्ति करके, भगवान का खास करके नाम सिमरन करके उस भाव को जागृत करना है। इधर उधर की बातें नहीं करनी फालतू में, भगवान का नाम जपना है। नित्य सुख के लिए स्थाई कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम। सारे बोलो शाबाश, आवाज निकालो, बच्चों बोलो हरे। हरे कृष्णा कृष्णा है हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, नित्य सुख के लिए स्थाई आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह श्री कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। बड़े ध्यान देने वाले शब्द हैं प्रभुपाद जी के। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। शुद्ध भक्त का मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं उसकी, शुद्ध भक्त की कोई इच्छा नहीं। और भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कह रहे हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल प्रेमलती। शुद्ध भगत चरण रेणु, यह हमारे परमाचार्य शिल भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, अगर हमें शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली मिल जाए तो हम अनुकूल भजन कर सकेंगे।
दो प्रकार के भजन होते हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। प्रतिकूल भजन तो सब करते हैं, लेकिन अनुकूल भजन कोई भाग्यशाली ही कर सकता है। हमने अनुकूल भजन करना है। वो कैसे होगा? जब शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली हम लोगों को प्राप्त होगी, तो इस समय के शुद्ध भक्त आपके सामने विराजमान है प्रभुपाद जी, इनके चरणों की धूली लो और अनुकूल भजन करो और जीवन को सफल करो। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावना मन से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। तो प्रभुपाद यहाँ जैसे भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, बड़ा सरल तरीका है भगवान को पाने का। कोई भी भगवान को पा सकता है, खाली भाव और प्रेम से। प्रेम और भाव से अगर किसी के पास कुछ नहीं है, एक तुलसी का पत्ता, एक फूल और पानी अर्पण कर देता है, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान यही कह रहे हैं। तो भाव को स्वीकार करो, भाव को जागृत करो और भगवान भाव को स्वीकार करेंगे। आगे भगवान कह रहे हैं, भाव बिन सुनी पुकारे भाव, मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेल मुझको भाव, करती है लाचार करती है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा, भगवान कह रहे हैं अगर कोई पुकारता है मेरे को और उसकी पुकार में भाव नहीं है, मैं नहीं सुनता हूं पुकार। अगर भाव होगा जरूर सुनेंगे भगवान। और यह हरे कृष्ण आंदोलन भाव का ही आंदोलन है। आगे कह रहे भगवान, भाव जिस जन में नहीं, भाव उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार, भरपूर भाव का भूखा हूँ मैं
और भाव ही बस एक सा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, यही हम भगवान बता रहे हैं। जो जिसका मेरे में भाव नहीं है उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, पर भाव जिसमें है उसके लिए भगवान चिंतित रहते हैं। जो मुझी में भाव रख कर, जो मुझी लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार, एक रहता है तार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सा। भाव से जो मुझे भजे तो भाव से मेरा अपार, भाव से जो मुझे भाव कब हुआ और भाव की बस एक सा। आगे क्या कहते हैं भगवान, जिसमें भाव नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भार। भगवान कहते हैं भाव वाले भक्त का मेरे पर भार है। जो मुझी में भाव रख कर, जो मुझी लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार, एक रहता। भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सा। भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बीड़ा पार, भाव से भाव का भूखा एक सा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव। तो भगवान कहते हैं जो भाव से मेरा भजन करते हैं उनकी और मेरे हृदय में एक तार रहता है। वो तार जो है भाव का तार, लेते हैं मेरी शरण, उनकी और मेरे हृदय में एक रहता है तार, तार रहता है। तो फिर आगे कहते हैं भगवान, बांध लेते हैं मुझे यो भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही भूखा। तो प्रिय बंधुओं, भगवान कहते हैं जो मेरे में भाव रख करके मेरी शरण लेते हैं उनके और मेरे हृदय में एक तार बन जाता है। तार मतलब उनकी और मेरे हृदय में एक होता है तार।
बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में। भगवान के भक्तों में इतना भगवान के प्रति भाव हो जाता है, भगवान उस भाव में बंध जाते हैं। तो हम लोगों को उसी भाव को जागृत करना है। याद रखो, कोई गलत काम अगर हम करेंगे ना, मैं करूंगा, आप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई भी गलत काम जो शास्त्र के विरुद्ध है करेंगे तो भाव नहीं जागृत होगा। भाव जो है उसको जागृत करने के लिए हमें जो भावुक भक्त हैं भगवान के, उनकी शरण लेनी है। तो नरोत्तम ठाकुर की बात मैं आपको सुना रहा था। नरोत्तम ठाकुर जो हैं, वे कह रहे हैं, भगवान का नाम लेने से मेरी आंखों में आंसू कब बहेंगे। फिर उन्होंने अगले उसमें कहा, आर कबे निताय चंद्र करुणा होइबे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। कब नित्यानंद प्रभु मुझ पर अपनी कृपामयी वर्षा करेंगे कि जिससे मेरी समस्त भौतिक भोग की इच्छाओं से तुच्छ बना देंगे। तो क्या कह रहे हैं देखो नरोत्तम ठाकुर, के वो दिन कब आएगा, नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे और मेरे मन में इंद्रियों के तर्पण के लिए भौतिक इच्छाएं उनसे मुझे छुड़ा देंगे, मैं उनको बिल्कुल तुच्छ समझूंगा। इन लाइनों के लिए मैंने ये पूरा भजन आपको सुनाया। याद रखो, जो विषय वासनों में हमारा मन फंसा है ना, इससे हमको नित्यानंद भगवान छुड़ा सकते हैं। तो नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करो कि हे नित्यानंद प्रभु, कृपा करो हम पर, और ताकि हम ये जो विकार का काम है, विषय विकार होगा, उसको छोड़ दें। तो आगे कहा है, विषय या छाड़ी या कबे शुद्ध हवे मना, कबे हम आहिर व श्री वृंदावना। मेरे मन तो भौतिक सुखों की के विषयों को त्याग कर निर्मल कब होगा, कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। तो जब तक विषय विकार मन में हैं, भौतिक भावनाएं मन में हैं, भौतिक सुखों को भोगने की विषय वासनाएं हैं, तब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं है, हम दूषित बने रहेंगे। तो आगे नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, अब मेरा मन भौतिक सुख के विषयों को त्याग कर निर्मल होगा, अब मैं श्री वृंदावन का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। याद रखो, वृंदावन जाकर के अगर हमने विषयों की लालसा की, विषयों को भोगना चाहा, तो यह ऐसा सोचना बहुत बड़ा अपराध है। हमें वृंदावन में जाकर एक ही इच्छा करनी चाहिए, ये कृष्ण में भक्त कैसे बनूंगा आपका, मेरा मन आपके चरणों में नहीं लग रहा, मेरा मन भटक रहा है, पर आपकी कृपा से मैं कब आपका सच्चा भक्त बनूंगा, ये एक हमारी इच्छा होनी चाहिए, ये हमारी लालसा होनी चाहिए, और हमारी इच्छा कोई नहीं होनी चाहिए। विषय या छाड़ी या कभी शुद्ध हवे मना,
कभी हम हे रब श्री वृंदावन, विषय विकारों को त्याग करके मेरे मन तू शुद्ध कब होगा और तू फिर वृंदावन धाम में वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। तभी तुम वृंदावन जाने के लायक है जब तेरे मन से विषय वासना समाप्त हो जाए। रूप रघुनाथ पदे हई बेकुति कबे हम अबूजी वो से युगल परी थी। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी छठ गोस्वामियों के चरण दर्शन के इसलिए कब मैं व्याकुल हो जाऊंगा, कब मैं श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ होऊंगा। तो गोस्वामी जो हमारे हुए, छह गोस्वामी हैं जो जिनका चित्र आपके सामने है, इन सब का जो मार्गदर्शन है उस पर हमने चलना है, भगवत प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ने। तो सभी प्रयास करो और जीवन को सफल करो। बोलो हरि नाम संकीर्तन की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की। उत्सव अमृतसर से उत्सव गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अक्सर हम गलत होते हैं लेकिन हमें लगता है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है, लेकिन जब सारी बात मालूम चलती है तब लगता है कि हम गलत हैं, सामने वाला सही है। इस टाइम पे बहुत अफसोस भी होता है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? ये दोष कैसे जाएगा? बहुत बार इस दोष के कारण क्रोध भी आता है। मेरे जैसे पतित नालायक का मार्गदर्शन करें। गुरु महाराज जी की जय हो। उत्सव कह रहा है ना, उत्सव ऐसे ही धीरे धीरे जाएगा दोष भाई, चुटकी बजाने से नहीं जाएगा। अभी तुम कितने 2 साल से भक्त है, कितने टाइम से? तो तो धीरे धीरे जाएगा। लगे रहो, सब 4 नियमों का पालन करो और भूत प्रेतों से डरा मत करो। भूत प्रेत आते हैं सुना तेरे पास और तू दूसरों को पकड़ लेता है करके। तो नियमों का पालन करो, जप करो और सुबह जल्दी उठो, तो धीरे धीरे जो है दोष निकलेंगे। ठीक है उत्सव। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी ने सुबह सुबह सभी भक्तों और माताओं को और इंटरनेट लिसनर और व्यूवर्स को अपनी अमृतमय वाणी से कृष्ण कथा का गायन करके अभिभूत किया, तो हम उनका 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो गुरु महाराज जी का, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि संस्कार चैनल पे प्रोग्राम चलता है सायंकाल, तो उसके लिए आज मुरादाबाद से रीना माता जी ने अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। इस टाइम का समय क्या है? 8:40 पर ये प्रोग्राम आता है रोज चैनल सत्संग चैनल। आप इसको मोबाइल में भी देख सकते हैं ना, टीवी में भी देख सकते हैं। तो हरदोई से श्रीमान अंजना नंदन जी ने गुरु महाराज जी के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से श्रीमान अटल डुल्लू जी ने अपनी सेवा भेजी है ठाकुर जी के लिए, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।